नगर निगम के आला अफसर और कर्मचारी दिन पे दिन भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। मुरादाबाद का नगर निगम दिन पे दिन खबरों की सुर्खियां बनता जा रहा है। कुछ ऐसा ही हुआ मंगलवार को भी। अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव के खिलाफ टैक्स में हेराफेरी करने का आरोप लगाया और कहा कि ज्यादा टैक्स लगाकर जनता को डराया जाता है और उसे डराकर उनसे पैसे वसूले जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, जिसमें टैक्स बढ़ाकर भेजना, पैसों की मांग करना, यादव आवाज दिखाना, ये सभी सम्मिलित हैं। इसीलिए अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुरादाबाद के बीच जमकर नारे लगाए और कहा कि यदि इन सभी मांगों पर विचार नहीं किया गया और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उग्र होंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। दिनेश यादव कर निर्धारण अधिकारी हाउस टैक्स के नाम पे अवैध वसूली व लोगों से रिश्वत मांगते हैं। आपको याद होगा कि योगी सरकार जब आई थी तो योगी सरकार में मुलायम सिंह यादव ने कान में एक बात कही थी, वो सबने देखा था कि यादव भाइयों का ध्यान रखना। तो यादव भाइयों के ध्यान रखने के चक्कर में यादव वाद अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये यादव वाद के नाम पे अब भी अवैध वसूली कर रहे हैं और ये हिंदू महासभा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।